हेलो हेलो, माझा आवाज येतोय का? सांगा अक्षय। अक्षय, माझा आवाज येत आहे का? एकदा मला मेसेज बॉक्स मध्ये मेसेज करून सांगा, अक्षय आहे, रुपेश आहे, दोघ जण आहेत, रुपेश अँड अक्षय। यस, अक्षय म्हणतोय, आवाज येत आहे। ओके, आज आपलं पहिलं लेक्चर आहे, राईट? IMP आपण जी न्यू बॅच स्टार्ट केली आहे, IMP बॅच, त्याचं आज आपलं पहिलं लेक्चर आहे, राईट? ओके, तर ह्या बॅच मध्ये आपण ओनली IMP क्वेश्चन्स घेणार आहोत, 100% IMP क्वेश्चन्स, कारण आपल्याकडं एक 10 दिवस आहेत, बरोबर आहे? 1 तारखेला नवीन न्यू टाइम टेबल नुसार जर 1 तारखेला पेपर झाला तर आपल्याकडे एक 10 ते 12 दिवस आहेत, राईट? तर ह्याच्यामध्ये आपण असेच क्वेश्चन कव्हर करणार जे की पेपरला येऊ शकतात। तर आपण सगळ्यात पहिले हे डिस्कस करू की आपले टोटल युनिट्स किती असतील आणि प्रत्येक युनिटमध्ये आपल्याला कोणत्या पॉइंटवर किती क्वेश्चन्स घ्यायचे आहेत हे आपण डिस्कस करू, ठीक आहे? तर टोटल आपले 5 युनिट असतील। पहिलं युनिट, फर्स्ट युनिट, लॅपलास ट्रान्सफॉर्म, राईट? पहिलं युनिट लॅपलास ट्रान्सफॉर्म, दुसरं युनिट इन्व्हर्स लॅपलास ट्रान्सफॉर्म, थर्ड युनिट फुरियर ट्रान्सफॉर्म, फोर्थ युनिट पार्शल डिफरेंशियल इक्वेशन अँड देअर अप्लिकेशन, अँड लास्ट युनिट फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल। आपल्याला माहितीये, आपल्याला काय माहितीये? आपल्याला हे माहितीये प्रत्येक युनिटचं वेटेज किती मार्क्स असतं बाबा, प्रत्येक युनिट हे पेपरमध्ये किती मार्क्सला येतं, हर एक युनिट कितने मार्क्स को पेपर में आता है। तो ईच एंड एवरी यूनिट पेपर में आता है 12 मार्क्स के लिए। ओके, अपने को पासिंग के लिए कितने मार्क्स चाहिए? पासिंग के लिए अपने को सिर्फ चाहिए फॉर पासिंग, पासिंग के लिए अपने को मार्क्स चाहिए 60 में से 20, राइट? और हर एक यूनिट कितने मार्क्स को आता है? हर एक यूनिट आता है 12 मार्क्स को। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, कौन से भी आप 3 यूनिट करो, कितने यूनिट करो, 3 यूनिट, कौन से भी 3 यूनिट आपको सिर्फ पास होना है, तो सिर्फ कौन से भी 3 यूनिट करो, 3 यूनिट के मार्क्स कितने होंगे? 12 12 12, 36 मार्क होंगे, 36 मार्क्स। तो 36 में से भाई 20 मार्क्स तो आ ही जाते, बराबर है कि नहीं? ओके, रुपेश म्हणतोय डाउट होता सर। विचारा विचारा, तुम्ही डाउट विचारू शकता, मेसेज बॉक्स मध्ये तुम्ही डाउट विचारू शकता, काही प्रॉब्लेम नाही। ओके, तिथं तुम्ही मेसेज, तुम्हाला तिथून मेसेज टाइप करता येतो, तर तुम्ही मेसेज थ्रू मला तुमचा डाउट विचारू शकता। ओके, यहां तक सब कुछ क्लियर है? आपने M3 के अंदर टोटल यूनिट्स है, D2 M3 के अंदर टोटल यूनिट्स है 5, हर एक यूनिट का वेटेज है 12 मार्क्स, 12 मार्क्स। ओके, और पासिंग भैया कितनी है? 60 में से 20, ठीक है। अभी अपन जाएंगे पहले यूनिट के अंदर।
ओके रुपेश म्हणतोय तुम्ही जे लेक्चर घेणार आहात त्याचे पीडीएफ मिळणार आहेत का? नाही, त्याचे पीडीएफ मिळणार नाही. अभी मैं जो पढ़ाऊंगा उसके पीडीएफ नहीं मिलने वाले, सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे. आपको सिर्फ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे. आपकी जो बैच है उसके अंदर वहां पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, आपको सिर्फ इस बैच में आईएमपी क्वेश्चन के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नहीं मिलेंगे. ओके ठीक है रुपेश. ओके तो अभी अपन ये देखेंगे कि भाई इसमें अपना जो पहला टॉपिक है, पहला यूनिट है, उसके अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हैं और अपने को कितने क्वेश्चंस लेने हैं. अपना जो पहला यूनिट है, फर्स्ट यूनिट जो है अपना लैपलास ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर मेन पॉइंट्स जो है, मेन पॉइंट्स वो टोटल मेन पॉइंट्स है 5. उसमें पहला पॉइंट क्या है बाबा? उसमें पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म. अपना जो पहला टॉपिक है उसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कितने हैं? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है 5. ओके अभी 5 पॉइंट में से जो अपना पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये अपना पहला पॉइंट है, उसके ऊपर मैं टोटल 5 क्वेश्चंस लूंगा. कितने क्वेश्चंस लूंगा? 5 क्वेश्चंस लूंगा. ये जो 5 क्वेश्चंस है वो 5 ही के 5 ही क्वेश्चंस इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे. किसके ऊपर? डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म. और पेपर में डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन ये 5 में से ही होना चाहिए. जो अपन ने 5 क्वेश्चन लिए हैं उसमें से ही एक क्वेश्चन वो पेपर में रहेगा. अगर वो पूछते हैं डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन आता है तो वो जो आएगा क्वेश्चन वो 101% अपन ने जो 5 क्वेश्चन लिए हैं उसमें से हिच होगा. समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद अपन थ्योरम्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म लेंगे. थ्योरम्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर अपन टोटल 6 क्वेश्चंस लेंगे. नेक्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन एंड थ्योरम्स. डेफिनेशन प्लस थ्योरम उसका जो क्वेश्चन होता है वो इवेलुएट बोल के है, उसके मैं टोटल 5 क्वेश्चंस लूंगा. ये जो पीरियोडिक फंक्शन है उसके 3 क्वेश्चंस और हेवी साइड के 3 क्वेश्चंस. अभी अपन यहाँ पे जो क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो पहला यूनिट है, पहले यूनिट के अंदर अपन कितने क्वेश्चंस देखने वाले हैं? 5 और 6 प्लस 5 3 और 3. ये 3 और 3 6 और 6 12 और 12 और 10 22, 22 क्वेश्चंस देखने वाले हैं. तो एग्जाम में जो पहला क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर, पहले क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन रहते हैं लैपलस के, तो अपन यहां पे कितने क्वेश्चंस लेने वाले हैं? 22 क्वेश्चंस लेने वाले हैं. राइट, 22 क्वेश्चंस. एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे? सिर्फ 3 क्वेश्चंस आएंगे. राइट, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे सिर्फ 3, लैपलस के ऊपर 3 क्वेश्चंस आएंगे. राइट, तो भैया ये देखो मैंने जो 22 क्वेश्चन लिए हैं उसके अंदर से ही ये 3 क्वेश्चन होंगे, 99%, उसमें कुछ डाउट ही नहीं. और 1% में ये हो सकता है, वो सिर्फ 1% चांसेस है, वैल्यू बदल के क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन पैटर्न क्वेश्चन का वही होगा जो अपन ने 22 क्वेश्चन के अंदर देखा है. 99% तो सीधा ये 22 क्वेश्चन जो मैं लूंगा उसमें से ही 3 क्वेश्चन पेपर को आएंगे. और 1% चांसेस ऐसा है सिर्फ वैल्यू बदल के आ सकता है लेकिन पैटर्न यही होगा. मुझे एक बात बताओ, अभी तक मैंने जो बोला है वो आपको सब समझा है क्या?
आतापर्यंत मी जे मी तुम्हाला सांगितलं आहे ते सगळं समजलं आहे का? आपण आतापर्यंत काय पाहिलं आहे? आतापर्यंत आपण हे पाहिलं आहे की पहिलं युनिट जे आहे लॅपलास ट्रान्सफॉर्म, उसके अंदर आपण ये पांच पॉइंट्स देखने वाले है और ये पांच पॉइंट्स के ऊपर कितने क्वेश्चंस देखने वाले है उसकी यहां पे क्वांटिटी दी है, क्वांटिटी। यस रुपेश मन तो समझ लो, ओके ठीक है। अभी सेकंड यूनिट जो है यूनिट नंबर टू, उसके अंदर अपन टोटल थ्री पॉइंट्स लेने वाले हैं। पहला पॉइंट है डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एस, उसके ऊपर अपन पांच क्वेश्चंस लेने वाले हैं। सेकंड पॉइंट है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम, उसके ऊपर अपन पांच क्वेश्चंस लेने वाले हैं। और लास्ट पॉइंट है पार्शियल फ्रैक्शन, उसके ऊपर अपन पांच क्वेश्चंस लेने वाले हैं। बोले तो टोटल 15 क्वेश्चंस होंगे, पांच 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 यूनिट नंबर टू के ऊपर। यूनिट नंबर टू के ऊपर टोटल अपन 15 क्वेश्चंस लेंगे। तुम्ही हे जे 8 ते 10 दिवस आहेत तुम्ही फक्त लेक्चर करा, व्यवस्थित लेक्चर करा आणि थोडी प्रॅक्टिस करा, तुमचा पेपर क्लियर होऊन जाईल। सकाळी 1.5 तास आणि संध्याकाळी 1.5 तास, सुबह 1.5 घंटा और शाम में 1.5 घंटा, ऐसा टोटल डेली अपना 3 आवर्स लेक्चर होगा। ये जो 3 आवर्स है वो अच्छे से कर लो, आपका 100% तो नहीं बोल सकता लेकिन 99% आपका पेपर क्लियर हो जाएगा। और आपको ये लेक्चर देख के थोड़ी प्रैक्टिस भी करना पड़ेगी, ठीक है। तो अभी ये यूनिट नंबर टू के अंदर अपन ये वाले पॉइंट्स के ऊपर इतने क्वेश्चंस लेंगे। वैसा ही अपना यूनिट नंबर थ्री, इसमें अपन 3 पॉइंट्स देखेंगे, उसके ऊपर इतने क्वेश्चंस। यूनिट नंबर फोर, इसके अंदर ये पॉइंट्स है उसके ऊपर ये क्वेश्चंस। और यूनिट नंबर फाइव, उसके अंदर ये पॉइंट्स है उसके ऊपर ये क्वेश्चंस। यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया? तो अभी अपन सीधा चालू करते हैं पहला टॉपिक। पहला टॉपिक है अपना फर्स्ट यूनिट है, एक मिनट, लैपलास ट्रांसफॉर्म, राइट। अपना पहला यूनिट है लैपलास ट्रांसफॉर्म, और लैपलास ट्रांसफॉर्म के अंदर अपन कितने पॉइंट्स के क्वेश्चंस देखने वाले हैं एक बार मुझे मैसेज करके बोलो। पहला यूनिट जो है लैपलास ट्रांसफॉर्म, उसके ऊपर अपन हाउ मेनी पॉइंट्स, कितने पॉइंट्स के क्वेश्चंस लेने वाले हैं एक बार जल्दी से मुझे मैसेज करके बोलो। टोटल अपन कितने पॉइंट्स देखने वाले हैं? 5 पॉइंट्स देखने वाले हैं। और ये जो पहला पॉइंट है, क्या है पहला पॉइंट? डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, इसके ऊपर अपन टोटल 5 क्वेश्चंस लेने वाले हैं। तो अपन अभी शुरू कर रहे पहला यूनिट लैपलास ट्रांसफॉर्म, और ये लैपलास ट्रांसफॉर्म के अंदर अपना पहला पॉइंट है, क्या है पहला पॉइंट? पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। पहला पॉइंट जो है वो है डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, यस। और डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म के ऊपर अपन टोटल क्वेश्चंस लेने वाले हैं। यहां पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, टोटल क्वेश्चंस अपन 5 लेने वाले हैं, ओके ठीक है। तो अभी अपने को एक चीज तो मालूम होना चाहिए कि डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या है। डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो ये देखो भैया, डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म बोले तो ये फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है? ये वाला फार्मूला, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी
इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। आपको किसी ने पूछा कि डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्या है, तो भैया डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म बोले तो ये फार्मूला है, बाकी कुछ नहीं है। आपको किसी ने पूछा डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म मींस व्हाट, तो ये फार्मूला है, उसको ये फार्मूला बताओ, उसको फील हो जाएगा, उसको समझेगा कि यस ये अपना डेफिनेशन है लैपलेस ट्रांसफॉर्म का डेफिनेशन। अभी ये जो फार्मूला है वो अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद सीधा अपन उसके क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो ये तो मालूम है अपने को, ये साइन किसका है बाबा, ये जो साइन है ये साइन अपना इंटीग्रेशन का साइन है, राइट? ओके, अभी इसके अंदर ऊपर कुछ तो भी है नीचे कुछ तो भी है। अभी ऊपर जो है उसको अपन बोलते हैं अपर लिमिट, कौन सा लिमिट, अपर लिमिट, और नीचे जो है उसको अपन क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट, राइट? ओके, तो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट है 0 और अपर लिमिट है इंफिनिटी। ओके, इंटीग्रेशन के अंदर ये कौन सी टर्म है, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल टर्म, कौन सी टर्म, एक्सपोनेंशियल टर्म। ओके, वो टर्म क्या है, ई रेस टू माइनस एस टी। ओके, उसके इनटू में क्या है, एक फंक्शन है, क्या है, इसको अपन बोलेंगे फंक्शन, राइट? एफ ऑफ टी को बोलेंगे फंक्शन ऑफ टी और सिंपल बोलेंगे फंक्शन। तो अभी देखो अपनी जो डेफिनेशन है उसके अंदर क्या क्या है, एक इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का अपर लिमिट है इंफिनिटी, लोअर लिमिट है 0, इंटीग्रेशन के अंदर एक एक्सपोनेंशियल टर्म है और एक फंक्शन है। ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा, वो विथ रिस्पेक्ट टू चल रहा स्मॉल टी। ये वाला जो इंटीग्रेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा, स्मॉल टी चल रहा। अभी अपन ने जो डिस्कस किया ये सब कुछ क्या है, डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म। यहां तक क्लियर हो गया क्या, यहां तक सब कुछ समझा है क्या? अभी अपन जो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं उसके अंदर यही फार्मूला लगने वाला है, यही फार्मूला। और फार्मूला क्या है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ये वाला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू टी है। समझते का डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म चा फार्मूला तुम्हाला क्लियर झाला आहे का? अभी उसके ऊपर अपन लेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन। ओके, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन और आपको एक फंक्शन दिया है। ओके, अभी सबसे पहले मला तुम्ही जर मेसेज करून सांगितलं समजतंय नाही समजत तर थोडं मला एक्सप्लेन करायला आणखीन चांगलं वाटतं, तुम्ही एकदमच तिकडं असे बसले निवांत तर मग ते थोडं, तरी पण मी चांगलंच एक्सप्लेन करेल, पण तुम्ही जर मला मेसेज करत राहिले, मेसेज म्हणजे कोणते मेसेज, मी जे विचारतोय त्याच्या रिलेटेड। ओके, तो यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या? तो अभी अपन लेंगे पहला क्वेश्चन, डेफिनेशन ऑफ लैपलेस। यस अभिषेक म्हणतोय हो सर समजते, ओके वेरी गुड। ये क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म का, लेकिन अभी क्वेश्चन के अंदर देखो, आप क्वेश्चन के अंदर देखो कहां पे भी ऐसा लिखा नहीं रहता, ऐसा लिखा नहीं रहता, क्या नहीं लिखा रहता कि बाबा ये प्रॉब्लम सॉल्व करो डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म से,
ऐसा कहां पे भी वहां पे लिखा नहीं रहता। तो फिर आपको कैसा समझेगा कि ये प्रॉब्लम डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करने का है, बराबर है कि नहीं? तो इसके लिए आपको ये जो रेंज है वो रेंज देखनी पड़ेगी। यहां पे इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0 to π। 0 < t < π का मतलब है 0 to π। 0 < t < π मीन्स 0 to π। ओके, π < t < 2π इसका मतलब है π to 2π। और ये जो दिख रहा है आपको t > 2π, t की वैल्यू 2π से ग्रेटर है, t की वैल्यू 2π से ग्रेटर है। अभी कितनी ग्रेटर है अपने को मालूम है क्या? t की वैल्यू 2π से ग्रेटर है। अभी आप t की वैल्यू 3π ले सकते हैं, 4π ले सकते हैं, 5π ले सकते हैं, 6π ले सकते हैं। तो आप कहां तक जा सकते हैं? इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो ये जो है टी ग्रेटर देन 2π, इसका मतलब क्या है? 2π to इन्फिनिटी। ये जो है 0 < t < π, इसका मतलब है टी की वैल्यू 0 और π के बीच में है। तो मैंने वही लिखा है 0 to π। π < t > 2π, इसका मतलब है टी की वैल्यू पाई और 2π के बीच में है। तो भैया मैंने वही लिखा है π to 2π। ये जो है t > 2π, इसका मतलब है टी की वैल्यू 2π से ग्रेटर है। टी की वैल्यू 2π से ग्रेटर है। अभी ग्रेटर है बोले तो 3π ले सकते, 4π ले सकते, 5π ले सकते, 6π ले सकते, 7π। अभी ऐसा आप आगे कहां तक भी जा सकते हैं। इसका मतलब t > 2π का मीनिंग है 2π to इन्फिनिटी। अभी मुझे बोलो ये जो रेंज है उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है बाबा? स्टार्टिंग पॉइंट 0 है और एंडिंग पॉइंट क्या है? एंडिंग पॉइंट इन्फिनिटी है। स्टार्टिंग पॉइंट 0 है, एंडिंग पॉइंट इन्फिनिटी है। अभी अपनी जो डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म है इसके अंदर देखो, स्टार्टिंग पॉइंट बोले तो इंटीग्रेशन का लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट इन्फिनिटी है। इंटीग्रेशन का लिमिट 0 to इन्फिनिटी है और यहां पे जो अपनी रेंज है उसका भी जो लिमिट है वो क्या है? 0 to इन्फिनिटी। इसका मतलब क्या कि आपके क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन होगा उसकी रेंज 0 to इन्फिनिटी है, तो वो जो फंक्शन है उसका लैपलास आप डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म से ले सकते हैं। यहां तक क्लियर है क्या? यहां पे अपन डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म क्यों लगाएंगे? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म का लिमिट है 0 to इन्फिनिटी और इधर जो फंक्शन है उसका भी लिमिट है 0 to इन्फिनिटी। तो ये वाला क्वेश्चन अपन सॉल्व करेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। क्लियर है क्या? चलो भाई अभी मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता। सॉल्यूशन आपको क्या फाइंड आउट करने का है? गिवन दैट आपको एक फंक्शन दिया है, क्या है फंक्शन? फंक्शन है f(t) = 2 0 और sin t। 2 के लिए रेंज है 0 < t < π, 0 के लिए रेंज है π < t > 2π और sin t के लिए रेंज है t > 2π। और आपको क्या फाइंड आउट करने का है?
टू फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन. ओके, ये जो फंक्शन है ये फंक्शन का अपन लैपलास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करने वाले है. ओके, यहां पे मैं लिखता, सो वी यूज डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म. ओके, देयरफॉर क्या है बाबा डेफिनेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म? एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी. ओके, अभी अपन क्या करेंगे, ये जो लिमिट है जीरो टू इंफिनिटी ये लिमिट अपन स्प्लिट करेंगे. कैसा स्प्लिट करेंगे? जीरो टू पाई प्लस पाई टू टू पाई प्लस टू पाई टू इंफिनिटी. तो ये ऐसा दिखेगा. कैसा दिखेगा? जीरो टू पाई प्लस पाई टू टू पाई प्लस टू पाई टू इंफिनिटी. अपन ने क्या किया, ये जो लिमिट था जीरो टू इंफिनिटी, इंटीग्रेशन का लिमिट जीरो टू इंफिनिटी जो था उसको अपन ने स्प्लिट कर दिया, जीरो टू पाई, पाई टू टू पाई, टू पाई टू इंफिनिटी. ओके, अभी ये जो तीन इंटीग्रेशन है ये तीनों इंटीग्रेशन के अंदर ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट तीनों इंटीग्रेशन के अंदर एज इट इज आएगा, एज इट इज e रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, e रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, e रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी. ओके, राइट, यस. ओके, अभी मैं पुट करूंगा, क्या पुट करूंगा, जीरो टू पाई के अंदर एफ ऑफ टी कितना है, जीरो टू पाई के अंदर एफ ऑफ टी कितना है, जीरो टू पाई के अंदर, जीरो टू पाई के अंदर एफ ऑफ टी कितना है बाबा? टू है. ओके, तो अपन यहां पे टू पुट करेंगे, जीरो टू पाई के अंदर एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है? टू है. और ये जो टर्म है एक्सपोनेंशियल वो टर्म एज इट इज आएगी, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा. पाई टू टू पाई के अंदर एक्सपोनेंशियल टर्म कौन सी है, सॉरी पाई टू टू पाई के अंदर एफ ऑफ टी कौन है? तो पाई टू टू पाई के अंदर एफ ऑफ टी कितना है? जीरो है. तो मैं यहां पे पुट करूंगा जीरो डी टी, ये डी टी एज इट इज, प्लस टू पाई टू इंफिनिटी के अंदर अपना एफ ऑफ टी कितना है? टू पाई टू इंफिनिटी के अंदर एफ ऑफ टी कितना है बाबा? तो टू पाई टू इंफिनिटी के अंदर एफ ऑफ टी साइन टी है. ओके, तो यहां पे मैं साइन टी पुट करूंगा. समझा है क्या, यहां तक क्लियर है क्या? तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन का फार्मूला लिख लिया. डेफिनेशन का फार्मूला लिखने के बाद अपन ने ये जो लिमिट था जीरो टू इंफिनिटी उसको अपन ने स्प्लिट कर दिया, जीरो टू पाई प्लस पाई टू टू पाई प्लस टू पाई टू इंफिनिटी. फिर उसके बाद अपन ने जीरो टू पाई के अंदर कौन एफ ऑफ टी है उसकी वैल्यू पुट कर दी. पाई टू टू पाई के अंदर एफ ऑफ टी कौन है उसकी वैल्यू पुट कर दी. टू पाई टू इंफिनिटी के अंदर एफ ऑफ टी कौन है उसकी वैल्यू अपन ने पुट कर दी. अभी इसके अंदर ये जो बीच वाला जो क्या इंटीग्रेशन है वो तो जीरो हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ये पहला इंटीग्रेशन और ये लास्ट का इंटीग्रेशन.
तो अभी ये नेक्स्ट स्टेप में ऐसा होगा, कैसा होगा, ये टू तो कांस्टेंट है, ये टू बेसिकली कांस्टेंट है, तो ये तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, टू इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये टू को अपन ने बाहर लिया, टू को अपन ने बाहर क्यों लिया, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। ओके, तो इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, लिमिट फ्रॉम 0 to π, प्लस ये सेंटर वाला इंटीग्रेशन तो 0 बनेगा बिकॉज ऑफ दिस 0, और लास्ट वाला इंटीग्रेशन एज इट इज आएगा, प्लस 2π to ∞ ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ, सॉरी एफ ऑफ टी नहीं, एफ ऑफ टी की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ टी की वैल्यू है साइन टी इंटू डी टी, ये वाला इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन यहां पे एज इट इज आएगा। ओके, अभी कभी भी क्या करने का बाबा, कभी भी क्या करने का, एक से ज्यादा इंटीग्रेशन है, अभी एक से ज्यादा इंटीग्रेशन है ना, ये वाला एक इंटीग्रेशन, ये वाला एक इंटीग्रेशन, एक से ज्यादा इंटीग्रेशन है तो उसको नाम देने के, नाम जैसा कि अभी मैं क्या करूंगा, ये टू एज इट इज, और ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, ये पूरे इंटीग्रेशन को मैं नाम दूंगा एज अ कैपिटल ए, इसको नाम दिया कैपिटल ए, प्लस कौन सा प्लस, ये वाला जो प्लस है वो प्लस एज इट इज, और ये जो इंटीग्रेशन है उसको अपन नाम देंगे एज अ कैपिटल बी। ऐसा आप कब करेंगे, जब एक से ज्यादा इंटीग्रेशन है, एक से ज्यादा इंटीग्रेशन है तो ऐसा मस्त पैकी पहले इंटीग्रेशन को नाम देने का कैपिटल ए, दूसरे इंटीग्रेशन को नाम देने का कैपिटल बी, और इसको नाम देने का इक्वेशन नंबर वन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड है एल ऑफ एफ ऑफ टी, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड है एल ऑफ एफ ऑफ टी। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, साइड में लूंगा, किसको साइड में लूंगा, ये जो कैपिटल ए है उसको अपन साइड में लेंगे, ऐसा कैपिटल ए इज इक्वल टू, कैपिटल ए बोले तो ये वाला इंटीग्रेशन 0 to π ई रेस टू माइनस एस टी डी टी, अभी अपन ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे, फिर ये सॉल्व होने के बाद अपन ये वाला इंटीग्रेशन लेंगे, उसको मस्त पैकी सॉल्व करेंगे, और जब इसकी वैल्यू आएगी तब अपन इसकी और इसकी बोले तो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन नंबर वन के अंदर, वो अपना फाइनल आंसर होगा। ओके, तो मैंने कैपिटल ए को बाजू में लिया, अभी ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए यहां पे मुझे ये वाला फार्मूला मालूम होना चाहिए, कौन सा वाला फार्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू पी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पी एक्स अपॉन टी, ये फार्मूले से ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व होगा। अभी फर्क इतना ही है कि ये फार्मूला जो है वो उसकी लैंग्वेज जो है वो एक्स की है, एक्स, ये फार्मूले की लैंग्वेज काई की है, एक्स की है, एक्स, और अपने प्रॉब्लम के अंदर लैंग्वेज काई की है, टी की है, टी। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला फार्मूला कन्वर्ट करूंगा अपने टी के लैंग्वेज में, तो टी के लैंग्वेज में ये फार्मूला ऐसा दिखेगा, समझ में आ रहा है क्या, अपना जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो ये है, स्टैंडर्ड फार्मूले की जो लैंग्वेज होती है वो एक्स की होती है, एक्स, लेकिन अपने प्रॉब्लम के अंदर लैंग्वेज है टी की, तो मैंने क्या किया,
एक्स की लैंग्वेज कन्वर्ट कर दी टी में। अभी थोड़ा ध्यान से देखो, यहां पे ई के ऊपर पी के इंटू में टी है, पी के इंटू में टी है, और इधर इधर टी। एक मिनट, ये देखो मेरे को क्या बताने का है, मेरे को ये बताने का है कि बाबा ये वाले इंटीग्रेशन को ये वाला फार्मूला लगेगा, और इधर जो पी है वो पी इधर कौन होना चाहिए, माइनस यस होना चाहिए। इधर का जो पी है वो इधर कौन होना चाहिए, माइनस यस होना चाहिए बाय कंपैरिजन। आप कंपेयर करेंगे तो आपको समझेगा, इधर टी के इनटू में पी है और इधर टी के इनटू में कौन है, माइनस यस है। तो अकॉर्डिंग टू दिस इंटीग्रेशन, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला, ई रिस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन आएगा ई रिस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस यस, और इसको अपन लिमिट देंगे 0 to π। ये जो लिमिट है 0 to π वो देना पड़ेगा ना, 0 to π, राइट? यस। अभी अपन पुट करेंगे अपर लिमिट, उसके बाद पुट करेंगे लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट पाई है। ये अपर लिमिट पाई कहां पे पुट करेंगे, अपना इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा, टी चल रहा, तो इसके लिए अपन ये जो टी दिख रहा, ये टी के जगह पे अपन अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये ऐसा दिखेगा, ई रेस टू माइनस एस पाई अपॉन माइनस यस। मैंने टी को निकाला और ये अपर लिमिट पुट कर दिया। अभी अपन टी को निकालेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। ओके, तो लोअर लिमिट क्या है, 0 है, तो एस इंटू 0 अपॉन माइनस यस। ये बॉक्स काई का है, अपर लिमिट का है, ये बॉक्स काई का है, लोअर लिमिट का है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में क्या होता है, कंपलसरी माइनस होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले अपन पुट करेंगे अपर लिमिट, फिर बाद में पुट करेंगे लोअर लिमिट, और वो दोनों के बीच में क्या आएगा, कंपलसरी कंपलसरी माइनस आएगा। अभी इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये अपने को फाइनली ऐसा दिखेगा। इसको मैं ऐसा लिख सकता, माइनस ई रेस टू एस पाई अपॉन एस माइनस, ये तो एज इट इज आएगा, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। सिर्फ मैंने क्या किया, ये जो माइनस था ना, ये नीचे वो मैंने सेंटर को दे दिया, बाकी कुछ नहीं। ई रेस टू माइनस पाईएस अपॉन एस, ये माइनस एज इट इज। अभी ये जो माइनस दिख रहा आपको, ये माइनस यहां पे सेंटर पे आएगा, और ये माइनस प्लस होगा। ओके, एस इंटू 0 कितना होता है बाबा, एस इंटू 0, एस इंटू 0, ये देखो ई रेस टू माइनस एस इंटू 0, तो यस इंटू 0 0 होगा, और ई रेस टू 0 कितना होगा, ई रेस टू 0 1 होगा। बहुत सारे बच्चों को ई रेस टू 0 कितना लगता है, 0 लगता है, तो ई रेस टू 0 0 नहीं होता। तो ई रेस टू 0 क्या होता है, ई रेस टू 0 होता है, ई रेस टू 0 की वैल्यू क्या होती है, तो ई रेस टू 0 की वैल्यू, कुछ लोगों को 0 लगता है, कुछ लोगों को 1 लगता है, तो ई रेस टू 0 की वैल्यू, 0 इज अ रॉन्ग, करेक्ट इज अ 1। एनीथिंग रेस टू 0 कितना होता है, 1 होता है। तो भैया ई रेस टू एस इंटू 0 इज अ 0, ई रेस टू 0 इज अ 1, 1 डिवाइडेड बाय एस, तो ये मिला मुझे कैपिटल ए। कैपिटल ए समझ लो आहे का, कैपिटल ए आपको समझा है क्या? मैंने कैपिटल ए सॉल्व कर दिया, अभी मैं कैपिटल बी सॉल्व करूंगा। तो चलो अपन कैपिटल बी सॉल्व करते हैं। अभी क्या है कैपिटल बी, कैपिटल बी है, कैपिटल बी है 2π to infinity, 2π to infinity,
ई रेस टू माइनस एस टी इंटू साइन टी, ई रेस टू माइनस एस टी इंटू साइन टी इंटू डी टी। ओके, तो अभी ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला मालूम होना चाहिए, e रेस टू ए एक्स साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स इज इक्वल टू e रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इन ब्रैकेट ए साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी कॉस ऑफ बी एक्स। आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ये वाला फार्मूला मालूम होना चाहिए। ये कौन सा फार्मूला है? e रेस टू ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स डी एक्स। इसको फार्मूला बोलते, इसको कौन सा फार्मूला बोलते हैं? इसको कौन सा भी फार्मूला नहीं बोलते, बस फार्मूला है ये। क्या फार्मूला है? e रेस टू ए एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स। तो ये वाला फार्मूला यहां पे अप्लाई होगा। अभी आप ये फार्मूला और ये अपना प्रॉब्लम कंपेयर करेंगे तो आपको ये मालूम पड़ेगा, हियर स्मॉल ए कोमा स्मॉल बी कोमा स्मॉल एक्स इज इक्वल टू। अभी देखो ये अपना जो फार्मूले का जो इंटीग्रेशन है वो विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल एक्स है, लेकिन अपना जो प्रॉब्लम है उसका इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टी है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ का जो फार्मूले के अंदर का जो एक्स है वो यहाँ पे क्या है? टी है। तो मैं अभी क्या करूंगा, ये जो अपना एक्स है उसकी वैल्यू अपने को मिली टी। और एक बार बताता मैं, ये इंटीग्रेशन जो है अपना फार्मूले का इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, लेकिन अपना जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम के अंदर ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी है। इसका मतलब क्या है? फार्मूले के अंदर जो एक्स है वो प्रॉब्लम में टी है। ओके, अभी अपन जाएंगे स्मॉल ए के वैल्यू, स्मॉल ए के वैल्यू के पास। स्मॉल ए कौन है? स्मॉल ए, अभी यहां पे एक्स के साथ में ए दिख रहा है, यहां पे टी के साथ में कौन दिख रहा है? माइनस एस। इसका मतलब क्या है? ये जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू अपने प्रॉब्लम के अंदर क्या होनी चाहिए? माइनस एस होनी चाहिए। यहां पे एक्स के साथ में ए दिख रहा है, यहां पे टी के साथ में माइनस एस दिख रहा है। इसका मतलब ये जो स्मॉल ए है उसकी वैल्यू यहां पे माइनस एस होनी चाहिए। तो मैं अभी, कुछ लोग बोलेंगे लेकिन सर इधर एक्स दिख रहा, ये जो ए है वो एक्स के साथ है और यहां पे तो ये जो माइनस एस है वो टी के साथ है, यहां पे एक्स है यहां पे टी है। तो फिर अपन ने ये पहले ज डिस्कस किया ना कि इधर का जो एक्स है वो इधर टी है, इधर का जो एक्स है वो इधर टी है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा इधर एक्स के साथ ए है इधर टी के साथ माइनस यस है। इसका मतलब ए की वैल्यू होनी चाहिए माइनस यस। ओके, यहां पे मैं लिखता माइनस यस, ए की वैल्यू माइनस यस। अभी बचा है बी, बी कहां पे है बाबा? इधर एंगल में है, इधर एक्स के साथ में बी है और इधर टी के साथ में कौन है? कोई नहीं है। यहां पे देखो ये साइन और एक्स के बीच में बी है और इधर साइन और टी के बीच में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसका मतलब क्या है? अपन ये बी की वैल्यू प्रॉब्लम के अंदर लेंगे वन। ये खूपच बेसिक है, बरोबर है कि नहीं? ये बहुत बेसिक है, इतना तो आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि अपने पास सिर्फ 12 दिन है और 12 दिन में अपने को टोटल चैप्टर्स
के टोटल चैप्टर्स के आईएमपी क्वेश्चंस कवर करने के है, तो आपको थोड़ा ये समझ के लेना पड़ेगा। और ये जो है ये लेक्चर्स रिकॉर्ड होके आपके ऐप में आते हैं, उस लेक्चर को आप कितनी बार भी देख सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बार बार वो लेक्चर आप देख सकते हैं, जहां पे आपको समझ में नहीं आ रहा वो चीज आप बार बार वो देख के समझ के ले सकते हो, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये वाला फॉर्मूला ये वाले इंटीग्रेशन को लगाऊंगा, तो मेरे को ये मिलेगा ना, ये मिलेगा ना, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाने का है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन ये मिलेगा। सिर्फ अपन क्या करेंगे, जहां पे ए दिख रहा है, जहां पे बी दिख रहा है, जहां पे एक्स दिख रहा है, उसको अपन क्या करेंगे, ए के बदले माइनस एस, बी के बदले वन, एक्स के बदले टी। तो भैया आपको ये वाला इंटीग्रेशन ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा ई रेस टू ए एक्स, लेकिन ए बोले तो कौन है, माइनस एस है, और एक्स बोले तो कौन है, एक्स बोले तो टी है, अपॉन ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ए बोले तो कौन है, माइनस यस उसका स्क्वायर, बी बोले तो कौन है, वन उसका स्क्वायर, इन ब्रैकेट ए साइन बी एक्स। अभी ए साइन बी एक्स बोले तो माइनस यस इंटू साइन ऑफ वन इंटू टी। अभी मैं थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन करूंगा, माइनस माइनस क्या, बी इंटू कॉस बी एक्स, तो भैया बी इज अ वन, कॉस ऑफ वन इंटू टी। तो मुझे ये मिला इंटीग्रेशन, ये जो है ये इतना जो है ये क्या है, ये इंटीग्रेशन है, किसका इंटीग्रेशन है, ये इसका इंटीग्रेशन है, और वो अपने को कैसा मिला, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। त्याचं इंटिग्रेशन, हे इंटिग्रेशन सॉल्व करण्यासाठी मला हा फॉर्म्युला अप्लाय करावा लागणार आहे, आणि अकॉर्डिंग टू हा फॉर्म्युला मला हे आन्सर मिळालं आहे। समजलं आहे का? समजलं असावं, पण हे जे इंटिग्रेशन आहे इसको लिमिट है बाबा, इसको लिमिट क्या है, इसको लिमिट है 2π to infinity। तो मैं इसको एक डब्बा डालूंगा और इधर 2π लिखूंगा, इधर इंफिनिटी लूंगा, राइट, 2π to infinity। अभी अपन अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट इंफिनिटी है। ये इंफिनिटी कहां पे पुट करेंगे, जहां पे टी है, जहां पे टी है वहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे। अभी ये थोड़ा ध्यान से देखो, ये जो टी है वहां पे अपर लिमिट आएगा इंफिनिटी, तो ये टर्म कैसी दिखेगी आपको, ये टर्म ऐसी दिखेगी, राइट। ये यहां पे टी के बदले आप अपर लिमिट पुट करेंगे ना, तो ये ऐसा ही दिखेगा, ओके। ये वाली टर्म ऐसी दिखेगी जब आप अपर लिमिट पुट करेंगे, ओके। अभी इसका जो सिंप्लीफिकेशन है, इसका सिंप्लीफिकेशन आता है जीरो, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आता है, जीरो आता है, और वो कैसा आता है देखो, यस इंटू इंफिनिटी कितना होगा, यस इंटू इंफिनिटी, यस इंटू इंफिनिटी इज अ इंफिनिटी। ये जो ई है वो एज इट इज, ये जो माइनस है वो भी एज इट इज, और यस इंटू इंफिनिटी इज अ इंफिनिटी, यस इंटू इंफिनिटी इज अ इंफिनिटी। लेकिन ई रिस टू माइनस इंफिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अपर लिमिट पूरा जीरो आएगा। अपर लिमिट की वैल्यू पूरी कितनी आएगी, अपर लिमिट की वैल्यू पूरी जीरो आएगी। तो इससे आपको क्या पता चला,
इससे आपको यह पता चला कि ये ऐसा पैटर्न दिख रहा, कैसा, ऐसा ई रेस टू माइनस एस टी, बोले तो ये टाइप का पैटर्न, ई रेस टू माइनस समथिंग ऐसा पैटर्न है, और अपर लिमिट इंफिनिटी है। इसका मतलब क्या है, अपर लिमिट की कंप्लीट वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, जीरो आएगी। ऐसा पैटर्न है और अपर लिमिट इंफिनिटी है, तो अपर लिमिट की टोटल वैल्यू आएगी जीरो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसीजर। तो अपर लिमिट की बात खत्म, माइनस अभी अपन पुट करेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है, 2 पाई है, तो ये 2 पाई कहां पे पुट करेंगे, जहां पे टी दिख रहा है वहां पे 2 पाई पुट करेंगे, तो ये आएगा एस इंटू 2 पाई। टी को निकाला, 2 पाई रखा, डिवाइडेड बाय माइनस एस का स्क्वायर कितना आएगा, एस स्क्वायर आएगा, माइनस एस का स्क्वायर इज एस स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर इज वन, वन का स्क्वायर इज वन। ओके, इन स्मॉल ब्रैकेट टी के बदले कितना पुट करने का है, 2 पाई, तो ये ऐसा दिखेगा, माइनस एस इंटू साइन 2 पाई माइनस वन इंटू कॉस 2 पाई। ये पहला प्रॉब्लम है, इसलिए मैं एकदम डिटेल एक्सप्लेन कर रहा, आगे के प्रॉब्लम थोड़ा मैं फास्ट सॉल्व करूंगा। पहला प्रॉब्लम मैं थोड़ा डिटेल बताऊंगा, एकदम व्यवस्थित बताऊंगा, और बाद के प्रॉब्लम थोड़े मैं फास्ट लूंगा, क्योंकि जो बेसिक है वो अच्छे से पहले प्रॉब्लम में अपना ठीक ठाक क्लियर हो जाता। ठीक है, ओके। पहले मैंने अपर लिमिट पुट कर दिया, अपर लिमिट कितना था, इंफिनिटी, ये टी के बदले इंफिनिटी आया, ऐसे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो, इसलिए अपर लिमिट बिकम जीरो। माइनस लोअर लिमिट कितना है, 2 पाई है, तो अभी 2 पाई पुट करेंगे, टी को निकाला 2 पाई पुट किया, टी को निकाला 2 पाई पुट किया, टी को निकाला 2 पाई पुट किया। ओके, अभी आपको यहां पे ये वाली चीज मालूम होनी चाहिए, साइन 2 पाई की वैल्यू, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो होती है, ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए। और कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है। साइन 2 पाई इज अ जीरो और कॉस 2 पाई इज अ वन, ये आपको मालूम होना चाहिए। ओके, ये जीरो तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा ये माइनस लिखेंगे, माइनस इन ब्रैकेट ये बनेगा एस इंटू 2 पाई, सो 2 पाई एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस वन। ओके, इन ब्रैकेट अभी साइन 2 पाई जीरो है, तो ये पूरा पार्ट जीरो बन जाएगा, ये माइनस एज इट इज, और कॉस 2 पाई की वैल्यू वन है, वन इंटू वन इज वन, तो फाइनली मुझे क्या मिलेगा, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, ये माइनस वन मल्टीप्लाई होगा इसको, तो ये आपको नेक्स्ट स्टेप में ऐसा दिखेगा, माइनस ऑफ माइनस ई रेस टू माइनस 2 पाई एस डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर प्लस वन। ये मैं फिर से बताता क्या किया मैंने, ये देखो, ये जो माइनस है वो इधर एज इट इज, और ये जो जीरो माइनस वन है, जीरो माइनस वन इज माइनस वन, माइनस वन इंटू धिस टर्म, तो भैया इसको एक ऐसा माइनस अटैच होगा बिकॉज ऑफ धिस माइनस वन, तो ये देखो ये मैंने माइनस अटैच कर दिया। अभी ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, तो मुझे फाइनली मिलेगा ई रेस टू माइनस 2 पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन, और ये वैल्यू किसकी है, ये वैल्यू बी की है। मैंने अभी बी इंटीग्रेशन सॉल्व किया, बी वाला, समझा है क्या, कैपिटल ए और कैपिटल बी अपन ने कैसा सॉल्व किया। कैपिटल ए क्या था, कैपिटल ए ये था, कौन सा था, कैपिटल ए
ये वाला जो इंटीग्रेशन था वो कैपिटल ए था, और ये वाला इंटीग्रेशन जो था वो कैपिटल बी था। तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल ए की वैल्यू ये आई, और कैपिटल बी की वैल्यू कितनी मिली, कैपिटल बी की वैल्यू ये मिली। अभी अपन क्या करेंगे, पुट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी इन इक्वेशन नंबर वन। ओके, देयरफॉर एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, किधर है अपना इक्वेशन वन, ये देखो अपना इक्वेशन वन, टू इंटू कैपिटल ए। ओके, कैपिटल ए इज दिस, सो टू इंटू कैपिटल ए, कैपिटल ए की वैल्यू है माइनस ई रिस टू माइनस पाइस अपॉन यस, माइनस ई रिस टू माइनस पाइस अपॉन यस, और क्या है उसमें, प्लस वन बाय एस। ओके, प्लस वन बाय एस, ये वैल्यू है कैपिटल ए की, प्लस कैपिटल बी की ये वैल्यू। और यही आपका फाइनल आंसर है। तो आपको मिला लैपलास ट्रांसफॉर्म, ये क्या है, ये लैपलास ट्रांसफॉर्म है, किसका लैपलास ट्रांसफॉर्म है, एफ ऑफ टी का लैपलास ट्रांसफॉर्म है। और एफ ऑफ टी कौन है, तो एफ ऑफ टी ये आपने प्रॉब्लम के अंदर दिया है, कौन था एफ ऑफ टी, ये अपना एफ ऑफ टी था। ओके, नदीम बोल रहा है, नदीम नराफ ऐसा नाम है, नेम है, तो ये बोल रहे यस सर। ओके, रुपेश एक आहे, अंकिन कौन आहे, ओके अभिषेक का है, अभिषेक, रुपेश एंड नदीम। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा है क्या, पहला क्वेश्चन फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन, तो इसके लिए अपन ने डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज की और उसके अंदर कैसे कैसे कैलकुलेशन किए, आपको ये समझा होगा। ओके, ये जो क्वेश्चन था ये विंटर 2018 को आया था, विंटर 2018। ओके ठीक है, तो अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के पास जाएंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं थोड़ा फास्ट सॉल्व करूंगा, क्वेश्चन नंबर टू। ये देखो क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये वाले एग्जाम में एज इट इज आ सकता है ये क्वेश्चन, अभी जो अपना पेपर है उसके अंदर एज इट इज आ सकता है। ओके, वेरी आईएमपी। आपलं सकाळी 1:30 होईल आणि संध्याकाळी 1:30 होईल, आपला सकाळचा टाइम काय असेल, सकाळी जे आहे सकाळी, सकाळी आपलं किती वाजता असेल, सकाळी बघा मी टाइम दिला आहे तसं बॅच मध्ये, मला वाटतंय सकाळचा टाइम मी दिलाय 7:30 ते 9, राईट, सुबह कितने बजे होगा, 7:30 से 9, आणि संध्याकाळी किती वाजता होईल, संध्याकाळी 9:30 ते 11, राईट, म्हणजे टोटल होईल 3 तास, सकाळी 1.5 घंटा, संध्याकाळी 1.5 घंटा, सुबह 1.5 तास, शाम में 1.5 तास, 3 घंटे। तो अभी आज 18 तारीख है, 18, राईट, 18 चे ना आज, तो आज से आपन ने चालू कर दिया, तो 19 20 और आगे के 10 दिन, वो 10 और वो 12, 12 दिन पकड़ो, 1 तारीख को पेपर हुआ तो 12 दिन पकड़ो, तो 12 दिन
इंटू 3 आवर्स, 36 आवर्स, 36 घंटे, बराबर है कि नहीं? 36 आवर्स। तो सिर्फ आप ये करना चाहिए, ये लेक्चर्स करना चाहिए। अभी मैं देख रहा सिर्फ कितने जन लाइव है, 4 जन लाइव है, उसमें से मैं चेक हूं तो लाइव कितने हैं, 3 जन लाइव है, बराबर है कि नहीं? आपको करना तो पड़ेगा ना, 10-12 दिन के अंदर पेपर निकालना है तो भाई करना तो देखना तो पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं? जान दो। चलो तो अभी अपन ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन, अभी मुझे एक बात बोलो, ये वाले क्वेश्चन में कहां पे ऐसा दिया है क्या कि डेफिनेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म यूज करो? नहीं दिया है। तो फिर आपको कैसा पता चलेगा कि इसमें डेफिनेशन ऑफ लैप्लस ट्रांसफॉर्म यूज करने का है? तो भैया उसके लिए आपको रेंज देखनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 0 to T, 0 less than T less than T, इसका मतलब है 0 to T, और small t is greater than T, इसका मतलब है T से बड़ी वैल्यू ले लो। अभी बड़ी वैल्यू तुम कितनी भी ले सकते हो, इसका मतलब है इन्फिनिटी। तो यहां पे फंक्शन की रेंज क्या है? यहां पे फंक्शन की रेंज है 0 to T प्लस T to infinity, मींस इसका स्टार्टिंग पॉइंट है 0 और एंडिंग पॉइंट है इन्फिनिटी। इसका मतलब है यहां पे अपन डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म के अंदर इंटीग्रेशन का लिमिट होता है 0 to infinity, और यहां पे भी लिमिट क्या दिख रहा है अपने को, फंक्शन का लिमिट दिख रहा है 0 to infinity। तो अपन अभी शुरू करेंगे, तो सीधा मैं यहां पे फार्मूला यूज करूंगा, डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म। क्या है बाबा डेफिनेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म? एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to infinity ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अभी ये जो आपको दिख रहा है 0 to infinity, ये जो दिख रहा है ना 0 to infinity, उसको अपन स्प्लिट करेंगे। कैसा स्प्लिट करेंगे? ऐसा स्प्लिट करेंगे, 0 to T plus T to infinity। तो ये ऐसा दिखेगा, 0 to T plus T to infinity। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट दोनों इंटीग्रेशन में एज इट इज आएगा, ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी, ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी इंटू डी टी। ओके, तो अभी अपन पुट करेंगे 0 to T के अंदर अपना एफ ऑफ टी कितना है। तो 0 to T के अंदर एफ ऑफ टी कितना है? small t by T। ओके, तो अभी अपन ये पुट करेंगे, तो ये ऐसा होगा, कैसा होगा? 0 to T ई रेस टू माइनस एस टी इंटू एफ ऑफ टी की वैल्यू 0 to T के बीच में, 0 to T के बीच में एफ ऑफ टी कितना है? small t by T, small t by T इंटू ये जो डी टी है वो डी टी एज इट इज प्लस T to infinity, ये T to infinity एज इट इज, ई रेस टू माइनस एस टी भी एज इट इज इंटू। हाँ, अभी मुझे पुट करने का है T to infinity के अंदर एफ ऑफ टी कितना है। T to infinity के अंदर एफ ऑफ टी कितना है? 1 है। तो भैया मैं यहां पे 1 पुट करूंगा। यहां तक सब कुछ क्लियर होगा। अभी मुझे बोलो ये वाला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा?
विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी चल रहा, बराबर है कि नहीं? ये जो डी के सामने रहता ना, मैंने ऐसा लिखा डीएक्स, डीएक्स लिखा, तो ये वाला इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा, मैंने ऐसा लिखा डी टी, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा, टी चल रहा, मैंने ऐसा लिखा डी पी, तो इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू क्या चल रहा, पी चल रहा, पी। तो जिसके रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन चलता वो वेरिएबल होता है। तो भैया मुझे एक बात बताओ, यहां पे टी क्या होना चाहिए? यहां पे टी, स्मॉल टी इज अ वेरिएबल, स्मॉल टी क्या होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, स्मॉल टी वेरिएबल क्यों है? क्योंकि ये वाला इंटीग्रेशन चल रहा विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी, यहां पे दो टी है, एक स्मॉल टी है और एक कैपिटल टी है। तो मुझे बताओ, स्मॉल टी वेरिएबल है तो फिर कैपिटल टी क्या होना चाहिए, कैपिटल टी क्या होना चाहिए? तो भैया कैपिटल टी होना चाहिए कांस्टेंट टर्म, कैपिटल टी कांस्टेंट होना चाहिए और स्मॉल टी वेरिएबल होना चाहिए। और मुझे एक बात मालूम है कि जो भी कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर आता है। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूंगा, ये जो कैपिटल टी है उसको इंटीग्रेशन के बाहर लूंगा, लेकिन कैपिटल टी आपको ऊपर दिख रहा क्या, नीचे दिख रहा? कैपिटल टी नीचे दिख रहा, तो बाहर आने के बाद वो नीचे च रहेगा ना, तो कैपिटल टी को मैंने बाहर लिया, इसका मतलब क्या है, ऊपर वन आएगा, तो बाहर कौन आएगा, वन बाय कैपिटल टी। ये कैपिटल टी को मैंने बाहर क्यों लिया, इंटीग्रेशन के बाहर क्यों लिया, क्योंकि वो कांस्टेंट है। कैपिटल टी क्यों कांस्टेंट है, क्योंकि स्मॉल टी वेरिएबल है, और स्मॉल टी वेरिएबल क्यों है, क्योंकि इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी चल रहा, इसलिए कैपिटल टी बाहर आएगा। लेकिन कैपिटल टी कहां पे है, ऊपर है कि नीचे है, नीचे है, तो बाहर आने के बाद वो नीचे च रहेगा, तो मैंने वन बाई टी को बाहर लिया, फिर इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचता, जीरो टू कैपिटल टी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू टी इंटू डी टी, ई रेस टू माइनस एस टी टी डी टी, ये सब कुछ इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा। प्लस अभी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू वन, तो ये बनेगा ई रेस टू माइनस एस टी इंटू वन, बोले तो ई रेस टू माइनस एस टी। ओके, अभी अपन क्या करेंगे, ये देखो एल ऑफ एफ ऑफ टी, इधर कौन है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में कौन है, लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में एल ऑफ एफ ऑफ टी, ओके, एल ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू वन अपॉन कैपिटल टी इंटू ए प्लस कैपिटल बी। आपको समझा होगा, ये जो है इतना पार्ट जो है इसको मैंने नाम दिया कैपिटल ए, और ये जो है उसको नाम दिया कैपिटल बी, और इसको नाम देंगे, दिस इज आवर इक्वेशन वन। अभी अपन लेंगे बाजू में किसको, कैपिटल ए को। क्या है कैपिटल ए, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू स्मॉल टी इंटू डी टी। ओके, अभी ये वाला इंटीग्रेशन कैसा सॉल्व करेंगे, तो अभी देखो ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए ये कौन सी टर्म है, ये एक्सपोनेंशियल टर्म है, और ये कौन सी टर्म है, ये अल्जेब्रिक टर्म है। एक टर्म कौन सी है, एक्सपोनेंशियल, और एक टर्म कौन सी है, अल्जेब्रिक। तो भैया ऐसी सिचुएशन है तो वहां पे अपन लगाते हैं यूज जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, जनरलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
ये वाला अपन रूल लगाते हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को ये वाला रूल मालूम ही नहीं होगा, तो अभी मैं यहाँ पे ये वाला रूल ज्यादा तो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि ये अपना आईएमपी बैच है और 12 दिन के लिए है, 12-13 दिन में कंप्लीट करने का है, तो थोड़ा बहुत मैं बताऊंगा लेकिन एकदम डिटेल मैं नहीं बता सकता ये क्या रूल है। तो अभी देखो, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल अपन कब लगाते हैं, जब दोनों में से एक टर्म अल्जेब्रिक चाहिए इंटीग्रेशन के अंदर। ये इंटीग्रेशन के अंदर दो टर्म्स है, एक टर्म एक्सपोनेंशियल है और दूसरी टर्म अल्जेब्रिक है, तो दोनों में से एक टर्म क्या होनी चाहिए, अल्जेब्रिक होनी चाहिए। दोनों टर्म में से एक टर्म अल्जेब्रिक है तो भैया आप ये रूल लगा सकते हैं। कौन सा रूल? जनरलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो अभी मैं क्या करूंगा, जो अपनी अल्जेब्रिक टर्म है वो पहले लिखूंगा। अल्जेब्रिक टर्म क्या है, वो ये है 0 to T एज इट इज। अल्जेब्रिक टर्म मैं पहले लिखूंगा और एक्सपोनेंशियल टर्म मैं बाद में लिखूंगा। ओके, अभी ये इंटीग्रेशन देखो कैसा सॉल्व होता है। ये जो पहली टर्म है, ये अपनी पहली टर्म है, इसको मैं पहली टर्म बोलूंगा और इसको मैं दूसरी टर्म बोलूंगा। तो पहली टर्म मैं एज इट इज लूंगा, पहली टर्म मैं एज इट इज, पहली टर्म मैंने एज इट इज ली। और पहली टर्म कौन सी कंसीडर करेंगे अपन, पहली टर्म एज अ अल्जेब्रिक टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म एज अ अल्जेब्रिक टर्म, तो पहली टर्म मैंने एज इट इज ली। ओके, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन लेने का, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन e^-st का इंटीग्रेशन e^-st अपॉन माइनस s, दूसरे टर्म का मैंने इंटीग्रेशन लिया। ओके, पहली टर्म एज इट इज और दूसरी जो टर्म है उसका मैंने इंटीग्रेशन लिया। e^-st का इंटीग्रेशन क्या होता है, e^-st अपॉन माइनस s। ओके, अभी यहां से यहां तक आने के बाद इसको छोड़ देने का, ये जो अपना इंटीग्रेशन है ना उसको छोड़ देने का, अभी पूरा फोकस इसके ऊपर करेंगे। तो अभी मुझे क्या मिला, एक कपल मिला, कपल कपल बोले तो जोड़ी, जोड़ी पेयर। तो मेरे को दो टर्म की एक जोड़ी मिली, पेयर मिली। ये पेयर कैसे मिली मेरे को, पहली टर्म मैंने एज इट इज रख दी और दूसरे टर्म का मैंने इंटीग्रेशन लिया, तो ये दो टर्म की मुझे एक जोड़ी मिली, पेयर मिली, कपल मिला। अभी ये पहले कपल से मैं नेक्स्ट कपल के पास जाऊंगा, फ्रॉम फर्स्ट कपल टू सेकंड कपल। अभी फर्स्ट कपल टू सेकंड कपल कैसा जाएंगे अपन, तो इसका मैं डेरिवेटिव लूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा और इसका इंटीग्रेशन लूंगा, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन। ओके, लेकिन मुझे एक बात बोलो, ये कैसा आया, पहला कपल कैसा आया, तो पहला कपल कैसा आया, पहली टर्म एज इट इज और दूसरे का इंटीग्रेशन, ऐसा मुझे पहला कपल मिला। अभी फ्रॉम फर्स्ट कपल टू सेकंड कपल कैसा जाएंगे अपन, इसका डेरिवेटिव लेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। तो भैया अभी मुझे एक बात बोलो, इसका डेरिवेटिव कितना आता है, डेरिवेटिव तो टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी इज अ वन, टी का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू टी इज अ वन। ओके, और इसका क्या लेंगे, इसका इंटीग्रेशन लेंगे। इसका डेरिवेटिव लिया वो वन आया, इसका इंटीग्रेशन लेंगे, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, e^-st अपॉन s2। ये जो आपको दिख रहा है ना e^-st अपॉन माइनस s, तो इसका इंटीग्रेशन ये आएगा e^-st अपॉन s2। ऐसा मुझे सेकंड कपल मिला। फ्रॉम फर्स्ट कपल टू सेकंड कपल कैसा गए अपन, इसका डेरिवेटिव लिया, इसका इंटीग्रेशन लिया। अभी सेकंड कपल से थर्ड कपल कैसा आएगा, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है क्या, इसका डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रेशन,
लेकिन वन का डेरिवेटिव कितना आता है, वन का डेरिवेटिव जीरो आता है, इसलिए जो नेक्स्ट कपल है वो आएगा ही नहीं। समझते का काई समझना, केला मनता जनरलाइजेशन ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। समझे लेगा नहीं, किया होगा ना कभी तो, ये किया होगा ना कि नहीं किया हो ये रूल। तो अभी मैं यहां पे ये ब्रैकेट क्लोज करूंगा, क्योंकि इसके आगे जो कपल है वो सीधा जीरो आने वाला है। ओके, तो पहला कपल जो है उसको मैं प्लस साइन दूंगा और दूसरा कपल जो है उसको मैं माइनस साइन दूंगा। पहले कपल को प्लस साइन, दूसरे कपल को माइनस साइन। तीसरा कपल आ रहा है तो उसको मैं फिर प्लस दूंगा, बोले तो अल्टरनेट प्लस माइनस। पहला कपल प्लस, दूसरा कपल माइनस, तीसरा कपल प्लस, ऐसा अल्टरनेट प्लस माइनस। आणखीन एकदा सांगतो मी हे कसं केलं आहे। हे बघा, पहिली टर्म मी ऍज इट इज ठेवली आणि दुसऱ्याचं इंटिग्रेशन घेतलं, ओके। और फिर उसके बाद आपण ने क्या किया, इसका डेरिवेटिव लिया, इसका इंटीग्रेशन लिया, फिर मुझे ये मिला। इसके बाद मैं आगे कैलकुलेशन नहीं करूंगा, क्योंकि वन का डेरिवेटिव कितना आता है, जीरो आता है, इसलिए मैं वहां पे स्टॉप होऊंगा। और इसको अभी लिमिट देंगे अपन जीरो टू कैपिटल टी। तो अभी मैं अपर लिमिट पुट करूंगा, फिर बाद में लोअर लिमिट पुट करूंगा। अपर लिमिट कितना है, कैपिटल टी है, वो मैं अभी पुट करूंगा। कहां पे पुट करूंगा, स्मॉल टी के जगह पे पुट करूंगा। स्मॉल टी के जगह पे क्यों पुट करूंगा, क्योंकि अपना इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू स्मॉल टी चल रहा है। ओके, तो अभी मैं अपर लिमिट पुट कर रहा, अपर लिमिट क्या है, कैपिटल टी है, तो स्मॉल टी निकालो और कैपिटल टी रख दो, तो फिर ये कैसा दिखेगा, देखो ये ऐसा दिखेगा। अपर लिमिट पुट कर रहा मैं अभी, इसके अंदर पहले अपन स्मॉल टी निकाल के कैपिटल टी रखेंगे, तो ये कैसा दिखेगा देखो। ये प्लस माइनस क्या होगा, ये प्लस माइनस माइनस होगा, ये प्लस माइनस माइनस। अभी कैपिटल टी के जगह, सॉरी स्मॉल टी के जगह पे कैपिटल टी रखेंगे, कैपिटल टी इंटू, यहाँ पे कैपिटल टी आएगा राइट, स्मॉल टी को निकाला कैपिटल टी, कैपिटल टी इंटू ई रेस टू माइनस एस इंटू स्मॉल टी, तो ये ऐसा दिखेगा, यस इंटू कैपिटल टी अपॉन क्या, अपॉन यस। ओके, ये जो प्लस माइनस था, ये प्लस माइनस मैंने यहां पे माइनस दे लिख दिया। ओके, उसके बाद ये जो स्मॉल टी है उसको निकालो, कैपिटल टी रखेंगे, तो ये आपको ऐसा दिखेगा। अपर लिमिट मैंने पुट कर दिया, अभी अपन लोअर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लोअर लिमिट। अभी स्मॉल टी निकाल के अपन जीरो पुट करेंगे, तो भैया इधर जीरो आएगा तो ये पूरा कितना बनेगा, जीरो बनेगा। ओके, ये बीच में माइनस एज इट इज, और अभी यहां पे ये टी के जगह पे जीरो आएगा ना, तो ई रेस टू जीरो कितना होता है, ई रेस टू जीरो इज वन, तो ये बनेगा वन बाय एस स्क्वायर। ये जो है पहला बॉक्स जो है वो अपर लिमिट का आउटपुट है, दूसरा बॉक्स जो है वो लोअर लिमिट का आउटपुट है। यहां तक सब कुछ क्लियर होना चाहिए। अभी मैं ये दोनों बॉक्सेस, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, इसको मैं रिमूव करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। ये दोनों टर्म तो एज इट इज आएगी, और ये माइनस माइनस प्लस होगा, तो ये मुझे मिला कैपिटल ए।
अभी अपन सॉल्व करेंगे कैपिटल बी। क्या है कैपिटल बी? कैपिटल बी इज दिस इंटीग्रेशन टी टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी इंटू डी टी। ओके, तो ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा? ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन, एक मिनट, ये देखो, ई रेस टू माइनस एस टी का इंटीग्रेशन आएगा ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन माइनस एस, और लिमिट क्या देंगे अपन? लिमिट देंगे कैपिटल टी टू इंफिनिटी। तो मैं पहले अपर लिमिट पुट करूंगा, लेकिन अभी अपन ने देखा है इधर टी के बदले इंफिनिटी आएगा, तो ये बनेगा ई रेस टू माइनस इंफिनिटी, और ई रेस टू माइनस इंफिनिटी कितना होता है? जीरो होता है। ओके, माइनस लोअर लिमिट कितना है? लोअर लिमिट कैपिटल टी है, तो स्मॉल टी निकालो, कैपिटल टी रखो, तो ये ऐसा आएगा। तो फाइनली मुझे मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये ऐसा मिलेगा मुझे कैपिटल बी। और अभी अपन क्या करेंगे? पुट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, एक मिनट, ओके, अभी मुझे कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन, एक मिनट। ओके, कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर वन, और वो अपना फाइनल आंसर होगा। Therefore, L of f of t is equal to, किधर है अपना इक्वेशन नंबर वन? ये देखो इक्वेशन नंबर वन, तो यहां पे कैपिटल ए पुट करेंगे, यहां पे कैपिटल बी पुट करेंगे, सो वन अपॉन कैपिटल टी इंटू ए, वन अपॉन कैपिटल टी इंटू ए। कैपिटल ए इज क्या है? कैपिटल ए माइनस टी इंटू माइनस टी इंटू ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस, माइनस ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर, माइनस ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन एस स्क्वायर। ये वैल्यू काय की है? ये वैल्यू कैपिटल ए की है, प्लस कैपिटल बी की वैल्यू क्या है? ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस। ओके, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो भी चलेगा, नहीं तो फाइनल आंसर यही रख सकते हैं, थोड़ा अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये वन अपॉन टी से अंदर मल्टीप्लाई करो, वन अपॉन टी से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा, माइनस ये कैपिटल टी कैंसिल होगा तो फिर ये ऐसा दिखेगा, माइनस ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन टी एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी एस स्क्वायर प्लस ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन एस। मैंने क्या किया? ये जो वन अपॉन टी था उससे अंदर मल्टीप्लाई किया, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल होगी, क्योंकि इसका साइन है माइनस और इसका साइन है प्लस, तो ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या? बचेगा ये माइनस ई रेस टू माइनस एस टी अपॉन टी एस स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी एस स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वन अपॉन टी एस स्क्वायर को कॉमन ले लो,
वन अपॉन टी एस स्क्वायर को कॉमन लेने के बाद ये ऐसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, माइनस ई रेस टू माइनस एस टी प्लस वन, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। हा क्वेश्चन खूप इम्पॉर्टंट आहे, पेपरला ह्या वेळेस ऍज इट इज असू शकतो। तर आपण दोन क्वेश्चन्स कंप्लीट केले, क्वेश्चन नंबर वन आणि क्वेश्चन नंबर टू, ठीक आहे। आणि जाता जाता मी एकदा आणखीन एकदा सांगतो, तुमच्या ही गोष्ट लक्षात आली आहे का, आपल्याला कसं घ्यायचं आहे या 12-13 दिवसामध्ये, ये जो 12-13 दिन है उसके अंदर आपने को कैसा प्रिपरेशन करने का है। जैसा कि ये पहला पॉइंट है ये टॉपिक के अंदर, तो इसके ऊपर अपन 5 क्वेश्चन लेंगे। ये दूसरा पॉइंट है थ्योरम्स ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, उसके अंदर अपन 6 प्रॉब्लम लेंगे। मैंने सामने जितने प्रॉब्लम लिखे है उतने प्रॉब्लम अपन लेने वाले है, इतना ही आपको करना है, श्योर शॉट आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी अपन मिलेंगे सुबह 7:30 बजे। कुछ डाउट, आज का लेक्चर आपको समझा क्या ठीक ठाक, कुछ डाउट है तो बोलो। रुपेश म्हणतोय 499 चा कोर्स तो ऍप मध्ये दिसत नाही। रुपेश, जो 499 चा जो कोर्स आहे ना, त्याची प्राइस आता 199 झालीये। 499 ची प्राइस 199 झालेली आहे। मला वाटतंय कुणाला काही डाउट नाहीये, ठीक आहे, थांबू आपण। ओके, बाय बाय, टेक केअर and good night.